atacar. ¿Qué bola? Hacker है, he's out of the tournament. He is out. इसका नाम नोट कर लो। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है। हेलो मेरे भाई लोग, आ गए तुम लोग? हाँ। वेलकम बैक अनदर एक सेंसिटिविटी वाला वीडियो में। एंड गाइस, इस वीडियो में आपके साथ ऐसा सेंसिटिविटी शेयर करने वाला हूँ जैसे आप लोगों का एम हमेशा एनिमी के हेड पे ही चिपकेगा। खाओ माँ का सब। ओके, तो देखो मेरे सामने एक पापा की परी खड़ी है, इसको अभी ऐसे लपटा मारूंगा ना। सड़क पे हटता फिरेगा। अब गाइस मेरा एम को फोकस करो, कैसे मैं हेड मारता हूँ। ओके गाइस, ये नहीं लगा। अरे मेरा एम थोड़ा सा अटक रहा है कहाँ पर पता नहीं। अभी ना ये लड़की कैरेक्टर है इसलिए मेरा नहीं लग रहा है। तो अभी देखो लड़का कैरेक्टर कैसे हेड मार के दिखाता हूँ एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट में से। वेक अप टू रियलिटी। एंड टू स्कोप फोर स्कोप की ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स बताऊंगा जिससे कि आप लोग की स्कोप इनर्स और इजीली लगेगा। रुला दिया आपने। तो गाइस यार देखो, स्टेप नंबर वन, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो गाइस यार देखो, हमारे जो एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं उसमें सेंसिटिविटी सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो डीपीआई। भाई मुंह की बात छील ले। तो गाइस देखो, मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें मैंने टेस्टिंग किया है। तो गाइस मैंने उसी हिसाब से आप लोग को कुछ डीपीआई प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस परफेक्ट डीपीआई अप्लाई करो, देन एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करोगे मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर पर आता है रियलमी, वन प्लस एंड ओप्पो। तो गाइस देखो, ये तीनों ब्रांड सेम होते हैं। ओके गाइस, एक दूसरे का सब ब्रांड है। तो गाइस देखो, इनका डीपीआई करना 555। देन नेक्स्ट आता है एम आई, पोको एंड नथिंग। तो गाइस इनका भी जो मैकेनिज्म है सेम है। तो गाइस अगर मैं झूठ बोला हूँ तो आप लोग एम आई पोको का एक फोन लाना एंड उनके सेटिंग्स पे जाके आप लोग दोनों के सेटिंग फोन को कंपेयर करना, तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस इनका डीपीआई करना आपको 560 करके रखना। नेक्स्ट है वीवो आई क्यू इन्फिनिक्स मोटोरोला। तो गाइस इनका आप लोग को डीपीआई करना है 540। एंड लास्ट वाला फोन है सैमसंग। तो गाइस देखो, सैमसंग अकेला इसीलिए है क्योंकि ये सबसे यूनिक है। तो इनका गाइस आप लोग को डीपीआई करना है 590 से लेके 600 तक अंदर ही रखना है, कुछ भी कर सकते हो। ओके तो गाइस, इन केस अगर आप लोग का ज्यादा टाइम बॉडी शॉट लग रहा है और ट्रैक करने पर हेडशॉट नहीं लगता है, तो गाइस आप लोग को बस जनरल अगर 95 है तो गाइस एक एक करके बढ़ाना है। एंड गाइस आप लोग को फिर से रिटर्न आना है एंड गाइस यहाँ पर आके फायर करना है एंड आप लोगों को इजीली हेडशॉट देखने के लिए मिलेगा। गाइस अगर आप लोग का रिकल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हेडशॉट लग रहा है, तो इसका मतलब आप लोग गाइस सोचना कि आप लोग का मतलब जनरल सेंसिटिविटी जो है आप लोग को थोड़ा सा कम करना है। ओके गाइस, उसके बाद थोड़ा सा कम करने के बाद आओगे और फिर से आप लोग को फायर करना है एंड गाइस आप लोग देखोगे आप लोग का हेडशॉट लगने लगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसे हैकिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सही बात है। तो गाइज अब समझते हैं 2 स्कोप एंड 4 स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग है ऊपर। देखो जनरली जब भी आप लोग 2 स्कोप की सेंसिटिविटी इंक्रीज करोगे, आप लोग को स्कोप ओपन करते ही आप लोग को जो सेंसिटिविटी दिखेगा ये होगा उसी का सेंसिटिविटी। जब आप स्कोप ओपन करोगे उसी का सेंसिटिविटी इंक्रीज होते हुए आप लोग को दिखेगा। तो गाइज आप लोग को इस सेटिंग को कितना रखना है, जैसे कि आप लोग जूम करोगे जूम इन हेडशॉट आप लोग को मान देखने के लिए मिल जाएगा। देन अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो गाइज आप लोग 97 से लेके 100 अंदर कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद गाइस आप लोगों को पहले ट्रैक करना है, एक गोली हेड लगे ना उसके बाद स्कोप ओपन करके फायर करना, आप लोग इजीली हेडशॉट लगे। देन लास्ट में आता है गाइस ये जो फ्री लुक है। तो गाइस ये फ्री लुक की सेटिंग मेरी सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि फ्री स्टाइल खेलते है ना। कंट्रोल सेटिंग पे जो आओगे उस यहाँ पर लिखा होगा फ्री लुक करके सेटिंग है गाइस, जिसको अन जैसे करोगे तो गाइस कस्टम एचयूडी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा एक आई का बटन है। तो गाइस इसको अन करना है एंड गाइस उसके बाद सेव करना है एंड गाइस आप लोग का देखने के लिए मिलेगा जब भागते हो ना इधर उधर देखने के लिए। लेकिन गाइस मेरे सब्सक्राइबर इसका यूज करते हैं कैसे। तो